जिला सिरमौर में 30 नवंबर तक शत प्रतिशत वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पुरजोर कोशिश कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें फील्ड में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रही हैं। वहीं मौके पर वैक्सीनेशन भी लगाई जा रही है। मीडिया से बात करते हुए केड़ा ब्लॉक की बीएमओ डॉक्टर मनीषा अग्रवाल ने बताया कि प्रतिदिन करीब 1600 से 2000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन के लिए दगेड़ा ब्लॉक में 32 टीमें बनाई हैं, जो फील्ड में जाकर लोगों को न केवल वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रही है बल्कि मौके पर लोगों को वैक्सीन भी लगा रही है, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बीएमओ का कहना है कि लोग न जाने किस भ्रांति को लेकर वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगवाने में विलंब कर रहे हैं, जबकि जिला सिरमौर में वैक्सीनेशन की पहली डोज लोगों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर लगवा ली थी। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने के लिए टीमें गठित की हैं, जो कि फील्ड में जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाकर अपने आप को समाज को सुरक्षित करें। सर, लगभग रोज 1600 से 2000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और ये हमारा टारगेट भी है कि 30 नवंबर तक जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हम 100% लोगों को वैक्सीनेट कर दें। बट जैसे कि आज आप भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि लोगों को बार बार कन्विंस करने के बावजूद भी कुछ लोग मान नहीं रहे हैं और वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों के मन में ये सेकेंड डोज के लिए भ्रांति क्यों है। फर्स्ट डोज में कोई भ्रांति थी तो ये समझ में आता है कि सब लोगों को डर था, बट अब सब लोग फर्स्ट डोज तो लगा ही चुके हैं बट सेकेंड डोज के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। आयुर्वेदा में जहाँ हमारा 10 घंटे सेशन चलता है, कांस्टेंट सेशन है, तो वहाँ पे लोग 120 लोग आते हैं, पर जब हम सड़कों पे घूमते हैं तो हमें 200 लोग मिल जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे हमारे हेल्थ वर्कर्स में बहुत ज़्यादा थकावट आ रही है। बहुत मिनिमल हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम गिन चुन के 30 हमारे ऐसे वर्कर्स हैं जो कि वैक्सीनेट कर सकते हैं, और इसी उसमें हमारे आज लगभग 32 सेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट मतलब ब्लॉक ढकेड़ा में लगे हुए हैं। 32 जगह हमारी टीम्स गई हुई हैं जो लोगों को वैक्सीनेट कर रही हैं। पर दुख तब होता है कि इतने काम के बावजूद जब लोग हमारा सहयोग नहीं करते। अभी भी हम 10 लोगों से पूछते हैं तो कोई 2 आगे आते हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, वो लगाने के लिए 8 लोग अभी भी मना करते हैं। तो बस आपके माध्यम से मेरी लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी महामारी तब तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आप जनता हमारा सहयोग ना करेगी। तो फिर जनता हमारा सहयोग करेगी तो इस महामारी से 100% हम विजय प्राप्त करेंगे। अभी पीछे भी आपने देखा था कि सिरमौर में ख़त्म हो गया था बिल्कुल कोविड, बट अब एक केस है आज की डेट में। तो प्लीज़ आप लोग मतलब जनता से अपील है कि वो सहयोग करें हमारा और जल्दी से जल्दी इस महामारी पर ताकि हम काबू पा सकें। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नाहन से प्रदीप कल्याण की रिपोर्ट। तो रख अभिमान पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। तो रख अभिमान उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।